गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करते कि आप सब ठीक होंगे। तो फिर से मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो, आज हम फिर से जम्मू का उधमपुर मार्केट में जा रहे हैं, गोल मार्केट। तो वहाँ आज हमारे सौरभ के लिए ना एक सरप्राइज गिफ्ट लेना है, क्योंकि सौरभ हमारे से बहुत दिनों से एक गाड़ी मांग रहे थे। तो हम उसको बोला कि देंगे, ऐसे करते करते ना कई मंथ चले गए, तो आज भी उसको दिला नहीं पाया। तो इसीलिए सोचा, सौरभ के पापा को बोला चलो उसको आज एक गाड़ी दिला देते हैं, क्योंकि आसपास की जो बच्चे हैं वो चलाते हैं और हमारे सौरभ देखते हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगते हैं। और इस बार उसके बर्थडे में ना हम कुछ नहीं दे पाया उसको। तो गाइस, अभी ना हमारे सौरभ और सौरभ के पापा दोनों एक साथ जा रही है एक मोबाइल के शॉप में, वहाँ कुछ मोबाइल के कवर्स वगैरह देखना है, फिर जाके हम सौरभ के गाड़ी लेंगे। तो गाइस, आज सौरभ के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो? मैं कहती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, अभी हम आए हैं उधमपुर मार्केट, और आप लोग देख सकते हो हमारे पीछे सौरभ के लिए गाड़ी लिया है। तो उसके लिए आज ये सरप्राइज है, क्योंकि हमारा कोई प्लानिंग नहीं था कि उसको गाड़ी लेकर देंगे, तो अचानक उसको ये गिफ्ट मिल गया है। आप लोगों को ना रूम पे जाकर आप लोगों को दिखाऊंगे दोस्तों। तो अभी हम देखो, पीछे एक शॉप है, उस शॉप में कुछ खा लिया। तो चलो रूम पे चलते हैं, फिर आप लोगों को ना अच्छे से दिखाते हैं कि उसका जो गिफ्ट है कैसा है। रो है। और हमारा भैया भी सो गया है, तो चलो धीरे धीरे चलते रहे और आप लोगों को दिखाते जाएंगे। अभी दोस्तों शाम की टाइम है, 5:30 बज चुके हैं। तो गाइस, हम एक्चुअली आए थे दूसरे काम के लिए, वो काम भी हो गया, उसके साथ हमारे सौरभ का ये काम भी हो गया, और हमारा सौरभ बहुत ज़्यादा खुश है। तो अभी चलो चलते हैं घर। और ये देखो, लेफ्ट साइड में एक रोड है, उस रोड से जाओगे तो उधर ना पहाड़ मिलेगी, और हम जा रहे हैं राइट साइड से। तो इधर भी पहाड़ी है, सब जगह में पहाड़ी है गाइस, मतलब चारों तरफ पहाड़, और पहाड़ों के बीचों में ये है रोड। तो गाइस, हम जिस जगह में है ना, ये ना बहुत बड़ा पहाड़ है। अगर दूसरे साइड से इस साइड देखोगे तो ये पहाड़ है, मतलब एक भयानक जैसा पहाड़ है। और हमारे लिए ये एक स्कूल भी रहेंगे, तो कभी ना कभी तो वहाँ से जाना पड़ेगा। उसके बाद जो वीडियो सर्च करके देख पाएंगे कि हाँ, एक टाइम हम एक बार फ्री। और गाइस, ज़िंदगी में छोटी छोटी आशाओं को भी पूरा करना चाहिए, तो हम भी छोटे छोटे आशाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं और कर भी रहे हैं। और एक बात कहना चाहूँगी गाइस, देखो ये ज़िंदगी अभी बिजी लाइफ है, मतलब फ्री कहाँ मिलते हैं, सब बिजी है। तो उस बिजी लाइफ के बीच में हमें ये छोटे छोटे आशाओं को पूरा करना चाहिए, यही मैं सोचती हूँ। और हम करने की कोशिश भी करते हैं कि हमारे साथ साथ बच्चों को भी खुशी मिलती है। तो अभी हम आ गए पेट्रोल पंप में, और जैसे हम घर पहुंच जाएंगे तो मिस्टर की ड्यूटी भी लग जाएगी। और जब ड्यूटी लग जाएगी ना दोस्तों, तो ऑयल भराने की टाइम ही नहीं मिलता है सौरभ के पापा को, तो इसीलिए जाते समय पूरा टैंकी फुल करा लिया। तो अभी कुछ दिनों के लिए पेट्रोल का टेंशन ख़त्म है। रूम पे जाओ। को मम्मी पहले पापा तो पकड़ ले। ये पकड़ो, ऐसे पकड़। अच्छा, मुझे पकड़ने दो मम्मी। अगर ये मैंने ये दो नहीं पकड़ूंगा तो भी खुल के टूट जाएगा। आ जाओ। तो गाइस, घर तो पहुंच गया, लेकिन आपने हमारे सौरभ के रिएक्शन तो देख लिया ना, कितना खुश है हमारे सौरभ। तो बच्चे की खुशी में ही हम खुश है। और अभी चलो रूम पे फटाफट से चलते हैं, फिर आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं कि सौरभ कैसा गाड़ी लिया है। और ये देखो हमारे सौरभ की कांड,
सौरभ को मैं बोल रही हूँ कि मुझे दे दो थोड़ा, आपकी हेल्प कर दो, भारी है बहुत ज्यादा, लेकिन देखो अकेले ले आई और अनबॉक्सिंग भी कर डाली। अनबॉक्सिंग कर दिया? तो गाइस आज की ब्लॉग इतना ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय एफ एम एंड जय कम।